आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi के Note 7 फोन के बारे में, करने वाले हैं इसका एक डिटेल रिव्यू। उसके पहले आपको बता देते हैं पीछे के साइड पीस का जो हाईलाइटेड फीचर्स दिया गया है वो क्या गया है, थोड़ा पहले हम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन का 660 हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इसका जो डिस्प्ले है यहाँ पे 6.3 इंच का फुल HD डॉट नॉच डिस्प्ले के साथ आता है। ये कैमरा यहाँ पे 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल AIR कैमरे के साथ आता है, मतलब पीछे की साइड पे, और साथ में 4000 mAh का बैटरी। हमारे पास जो मॉडल है वो है सफायर ब्लू, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। तो ये फोन को यूज करते हुए मुझे एक महीने से भी ज्यादा हो चुका है, और ये डिटेल रिव्यू मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये फोन आपको एक्चुअल में आज के डेट पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आप अगर ये फोन को लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो को जरूर से जरूर लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को एक जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नया आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको हमारे नया नया वीडियो का जानकारी मिलता रहेगा और ये बिल्कुल फ्री है, तो टेंशन मत लो, लाइक कर दो, शेयर भी कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है वो आपको बता देते हैं। हालांकि इस चीज़ को अनबॉक्स करने का अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये फोन को लॉन्च होते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी आपको एकदम क्विक में बताने की कोशिश करेंगे कि ये फोन के साथ आपको क्या क्या देखने को मिलता है फास्ट फॉरवर्डिंग मोड पे। तो ये है आपका फोन और यहाँ पे फोन के बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट्स है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो फोन के अंदर एक आपको बैक कवर देखने को मिलता है जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट है, सॉफ्ट है, और इसको लगाने के बाद फोन का जो एक्चुअल कलर है वो भी दिखेगा, लेकिन ये एक बेसिक कवर है। हालांकि आप एक्स्ट्रा कवर अलग से परचेज कर सकते हैं। और ये रहा आपका सिम इजेक्टर टूल जिसकी मदद से सिम का ट्रे को निकाल के सिम लगाएंगे। साथ में ये रहा चार्जर, चार्जर जो है वो 5V 2A के साथ आता है जो बॉक्स के साथ आपको मिल रहा है। तो आप अगर फास्ट चार्जिंग का मजा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हैं क्विक चार्ज 3 या फिर क्विक चार्ज 4 ये फोन सपोर्ट करता है, वो आप अलग से परचेज कर सकते हो। और ये रहा USB डेटा केबल टाइप सी। तो अब आते हैं डायरेक्ट फोन के ऊपर। यहाँ पे फोन का जो बैक साइड या फिर फ्रंट साइड है वो दोनों ही गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ आता है, और पीछे साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ जो सफेद ब्लू का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे आप जो कलर उभर के आ रहा है, खिल रहा है कलर, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये देखने में काफी अच्छा लगता है, कूल लगता है, और ये फोन को और ज्यादा प्रीमियम फील कराता है। इस फोन का कैमरा बम भी बहुत ज्यादा नहीं है, और साथ में आप देख सकते हो इसका जो फ्रंट है ऊपर में डॉट नॉच डिस्प्ले, ऑलमोस्ट इसको बेजलेस डिस्प्ले बोल सकते हैं। नीचे साइड पे हमें थोड़ा सा वेजर देखने को मिलता है। और इस फोन की अगर डिस्प्ले की बात करें इसका एक्सपेक्टेड रेशियो है 19:5:9 का। ये एक फुल HD डिस्प्ले है, 409 PPI के साथ आता है। इसका जो OS है कस्टम OS है तो यहाँ पे MIUI 10 के साथ ही आता है। साथ में Android 9 Pie का वर्जन हमें देखने को मिलता है इस फोन के साथ। यहाँ पे और एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जी हाँ डेफिनेटली इस फोन के साथ आपको एड्स देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत आपको झेलना ही पड़ेगा। और अगर सिम कार्ड की बात करें यहाँ पे आप सिम कार्ड लगा सकते हो, 2 SIM कार्ड या फिर 1 SIM कार्ड 1 मेमोरी कार्ड, तो ये एक हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है जो कि टिपिकली हर एक Xiaomi फोन के साथ ऐसा ही होता है, तो ये कोई नया चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ गेमिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर नॉर्मल सेटिंग के अंदर खेलते हो, यहाँ पे एसपार्ट 8 हो, चाहे यहाँ पे पबजी हो, चाहे यहाँ पे आप देख रहे हो फ्री फायर, तो आप खेल सकते हो, डेफिनेटली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है, आप अगर बहुत ज़्यादा फुल सेटिंग के अंदर खेल रहे हो तभी। अगर आप पूछते हो कि फोन हीट होता है कि नहीं गेमिंग के टाइम या फिर चार्जिंग के टाइम, तो डेफिनेटली हीट होता है थोड़ा बहुत, वो तो ऑलमोस्ट हर एक फोन के साथ होता है, यहाँ पे चौंकने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। और आप बात करते हैं कैमरा क्वालिटी की, तो यहाँ पे कैमरा क्वालिटी आगे का 13 MP दिया गया है और पीछे दिया गया है 12+2 MP। कैमरे को ओपन करते ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ ऑप्शंस अलग अलग, जैसे कि वीडियो मोड, फोटो, पोर्ट्रेट। जी हाँ यहाँ पे आप सेल्फी में भी पोर्ट्रेट मोड का फोटो ले सकते हैं, सेल्फी भी आप AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ फोन के अंदर AI का इस्तेमाल किया गया है जो कि काफी अच्छे से पोर्ट्रेट आपका ब्लर कर देता है, पीछे का एज डिटेक्शन काफी अच्छे से कर लेता है। आपको दिखाएंगे कुछ सैंपल शॉट्स, उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि आप ये यूट्यूब का वीडियो कौन सा क्वालिटी पे देख रहे हो वो डिपेंड करता है, फुल रेजोल्यूशन पे देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्वालिटी कैसा है। इस वीडियो को पूरा देखना वरना आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको डे लाइट में अच्छा खासा शॉट्स मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा सेल्फी ले लेता है, एज डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है, दिन के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात के टाइम पे या फिर लो लाइट पे ये उतना अच्छा नहीं ले पाता है, कैमरा करता है थोड़ा सा स्ट्रगल। यहाँ पे पीछे का भी बोल रहा हूँ, फ्रंट का भी बोल रहा हूँ, दोनों पे ही स्ट्रगल करता है कैमरा रात के टाइम पे। जी हाँ वीडियो पे भी आपको यहाँ पे वीडियो भी दिखाएंगे, तो ये रहा वीडियो को देखिए आप। यहाँ पे बता दूँ आपको लो लाइट पे ही ऐसा दिक्कत होता है, लाइट अगर ठीक ठाक है तो अच्छा खासा शॉट्स हर एक कैमरा पे ही आता है। आप देख सकते हो लो लाइट पे कैमरा कितना स्ट्रगल कर रहा है। अगर फोकस की बात करें तो आप देख सकते हो फोकस भी ठीक तरह से नहीं हो रहा है और एकदम भद्दा सा वीडियो आ रहा है, नॉइस भी काफ़ी आ रहा है, और साथ में इसका जो एक्चुअल कलर है वो भी ठीक तरह से नहीं आ रहा है लो लाइट पे। लाइट ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब बात करते हैं इस फोन का यहाँ पे सनलाइट विजिबिलिटी कैसा है, डे लाइट पे क्या ये फोन स्ट्रगल करता है। जी नहीं, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा है, तो डायरेक्ट सनलाइट पे दिन के टाइम पे धूप पे भी आप ब्राइटनेस को फुल करके यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पे इस फोन की अगर लॉक अनलॉक यानी कि फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो आप देख ही सकते हो कितना फास्ट है। तो इसके ऊपर मुझे कोई बात नहीं करना है, बहुत ही अच्छा फिंगरप्रिंट सेंसर है, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगा इस पर। आप देख सकते हो कितना फास्ट लॉक और अनलॉक हो रहा है। अब ये तो हो गया, आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई फेस अनलॉक है कि नहीं। जी हाँ, फेस अनलॉक है और आपको दिखा भी देते हैं किस तरह से लॉक अनलॉक हो रहा है, कितना स्पीड है इसका। तो जी काफ़ी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आपको बताएंगे कि ये डिवाइस स्ट्रांग है कि नहीं एक्चुअल में। तो जैसे कि आपको सबसे पहले ही बता दिया कि इसके पीछे भी और फ्रंट पे भी जो ग्लास यूज किया गया है वो है गोरिल्ला ग्लास 5। तो इसको आप बहुत आसानी से बेंड या फिर स्क्रैच नहीं होगा इस पर। डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग डिवाइस है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और आप अगर जानबूझ के तोड़ना चाहते हो तो कोई भी डिवाइस टूट जाएगा, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। अब आपको बताते हैं रैम मैनेजमेंट इसका कैसा है और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ठीक ठाक है कि नहीं। तो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, रैम मैनेजमेंट इससे बेटर हो सकता था। यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ 5-6 ऐप्स को ओपन करने के बाद मुश्किल से कुछ टाइम बाद ही ये ऑटोमेटिकली ऐप्स को किल करता है। और अगर बैटरी की बात करें तो 4000 mAh की बैटरी है, तो एक दिन ठीक ठाक चला जाता है, उस पर कोई शिकायत हमें नहीं करना है। ओवरऑल ये एक अच्छा फ़ोन था, इतना कम प्राइस में इतना अच्छा बैटरी, साथ में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। प्रोसेसर भी अच्छा है, स्नैपड्रैगन का 660 है। यहाँ पे डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल ठीक ठाक डिवाइस है। लेकिन अब आपको ये डिवाइस अगर मुझसे पूछेंगे कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो अगर आप कुछ दिन पहले तक भी मुझसे पूछते कि भाई ये डिवाइस को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको बता देता कि हाँ जी डेफिनेटली ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिवाइस है। लेकिन अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ये डिवाइस आपको नहीं लेना है। जी आपने सही सुना है, नहीं लेना है आपको। क्यों नहीं लेना है आपको वो मैं आपको बताता हूं। देखिए Redmi ने कुछ ही टाइम पहले, मतलब कुछ दिन पहले Redmi का Note 7s लॉन्च कर दिया है, जो कि अप्रोक्स सेम प्राइस के अंदर ये फोन आता है। और दोनों के अंदर अगर कंपेयर करेंगे तो ये Redmi Note 7s काफी अच्छा है, इससे डेफिनेटली बेटर है। स्पेशली कैमरा के डिपार्टमेंट पे ये फोन काफी अच्छा है, 48 MP का आपको बैक कैमरा देखने को मिलता है। तो Redmi Note 7 पे आपको बता रहा था कि कैमरा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस डिवाइस पे कैमरा आपको बहुत ही बेटर देखने को मिलता है। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा, आप अगर लेने के सोच रहे हो इस प्राइस के अंदर, तो डेफिनेटली Redmi Note 7 ऐसे ही लेना, क्योंकि वो अच्छा है। दोनों डिवाइस के अंदर कंपेयर करेंगे तो कैमरा के अलावा और ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, सब कुछ सेम है। फिर भी Xiaomi ने लॉन्च किया, यहाँ पे आपको पता ही है इंडिया पे Xiaomi कितना फ्रीक्वेंटली फोन लॉन्च करता है, Xiaomi का कॉम्पिटिशन Xiaomi खुद है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा एक्चुअल में ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल किस वीडियो में इतना ही है, हम जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।